हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये आज फ्राइडे का दिन है और इवनिंग का टाइम है, तो आज का जो ब्लॉग है वो अभी ही मैं पोस्ट करने वाली हूँ थोड़ी सी देर में। बस आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। बहुत गंदा वाला व्यूज आ रहा है, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे आप लोग, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, इतना वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है मेरा, बिल्कुल भी नहीं करता है। अब आप लोग का रिस्पांस इतना गंदा आ रहा है। तो यहाँ पर अभी जो मैं दोपहर में कपड़े लेकर आ गई थी छत से, तो बस अभी बैठी थी, तो मैंने सोचा पहले इसको कपड़े को तह मारती हूँ, उसके बाद मैं बेड से उतरती हूँ किसी काम और कामों के लिए। तो पहले मैंने कपड़े तह मारे हैं, अब मैं सब कपड़ों को रख रही हूँ जिसको कि जहाँ पर मुझे रखना है। और अभी इतना बुरा हाल हो गया है ना, मतलब जहाँ देखी वहाँ हर जगह पूरी अलमारी फुल हो गई है, पूरा जिसमें बॉक्स के अंदर कपड़े रखती वो पूरा फुल हो चुका है। तो समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ कहाँ कपड़े रखूँ। और दो बैग जो मैंने निकाल रखा है उलन कपड़े जिसमें मैं लेकर आई थी, वो बैग भी बाहर ही निकला हुआ है ऐसे ही, उसके अंदर भी कपड़े हैं। तो परेशान हो गई हूँ मैं। तो देखिए कुछ कपड़े मैंने उधर अलमारी पर रख दिए जो कि अलमारी पर रखने होते हैं, और इधर मैंने कुछ इसके अंदर बॉक्स के अंदर रखने वाली है। बॉक्स भी देखिएगा खोलूँगी तो पूरा फुल हो चुका है। और बॉक्स को मेरे को एक बार एक दिन बैठ कर इसको सही करना है, क्योंकि बार बार कपड़े निकालते रखते ना, और कुछ कुछ ज़रूरी सामान भी होता है तो इसी में रख देती हूँ, तो उसको ढूंढने ढांढने में ना फिर हो जाता है पूरा गड़बड़ सा हो रखा है पूरा। तो अभी तो नहीं, तो बस कभी टाइम लगा के, एक तो सर्दी में ना करने का कुछ मन नहीं करते, एक जगह बैठ जाओ ना बस ऐसा लगता है बैठे रहो, धूप में बैठो तो धूप में ही, और ब्लैंकेट में है तो ब्लैंकेट में। तो आज मुझे लगी असली वाली ठंड, आज मुझे हो रहा है एहसास ठंड का, बहुत ठंड लग रही है आज, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, हाँ बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने ढूंढा है सॉक्स, और ये सॉक्स मेरी फटी हुई है, तो अभी कभी मार्केट जाऊंगी जब लेकर आऊंगी। और सॉक्स है मेरे पास, बट ये थोड़ी सी पतली है, तो थोड़ी सी मतलब ठीक लगती है पहनने में, एक है जो मोटी है तो, और एक दो मतलब दो सॉक्स मैंने रख रखा है। तो मैं जब तक एक दूसरी सॉक्स लाऊंगी नहीं तब तक उसको पहनूंगी नहीं, क्योंकि फिर मुझे ऐसा होता है ना कि कहीं जाना आना होता उसके लिए फिर नहीं रहता, तभी इसीलिए मैंने उसको रख रखा है कि कहीं जाऊँ आऊँगी तब पहनूंगी उसको, निकालूंगी। तो बस मैंने पहन लिया है सॉक्स, और देखा नीचे से फटी हुई है जो कि मैंने आपको पहले बताया था। तब चलते हैं किचन में, कि हो गया रूम का काम तो क्लियर हो गया। तो मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने कहा शाम को क्या खाऊं, तो सुबह का कुछ खाना पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो इसी को खाते हैं। यहाँ पर मैंने ली आलू की कचौरी और ये सब्ज़ी गरम कर रही हूँ, ये सब्ज़ी भी आलू की है रस्से वाली, तो अच्छी लगती है मुझे कचौरी के साथ ये वाली सब्ज़ी। तो मैंने बनाई थी थोड़ी सी, सुबह बनाई थी थोड़ी सी, रात में भी बनाई थी। तो चलिए बैठ कर खाते हैं, कि भूख के मारे ना फिर कोई भी काम नज़र नहीं आता, और किचन में भी काम है। मैं सबसे पहले चाय बनाने चाय पीऊँगी, फिर लगा नहीं यार पहले कर लेती हूँ ये खा लेती हूँ, क्योंकि खाना भी बचा हुआ ही है, नहीं खाऊँगी तो वो भी फिर बचा रह जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो चलिए मैं खाती हूँ और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो मैं यहाँ पर गई थी प्याज लेने के लिए, कचौरी के साथ प्याज अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए बैठी और कितनी दिक्कत होती है यहाँ पे बैठ कर खाना खाने में ना, बहुत ज़्यादा ठंड के मारे बैठने के लिए भी नहीं थे। तो मुझे एक बोरी मिली चावल वाले की, कुछ होगी बोरी पहले की पड़ी हुई, मैंने उस बोरी को उठाया और अपना बैठ गई खाने। भैया हमें तो कुछ भी चीज़ मिल जाए बस, है ना, बैठ ली मैंने, ये नहीं है कि हाँ यहाँ नहीं बैठना वहाँ नहीं बैठना ऐसे में नहीं बैठना। तो मैं आराम से मज़े से खा रही हूँ, आइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ, है ना। मिलती हूँ मैं खाना खाने के बाद, खाना खाते समय कोई डिस्टर्ब नहीं, वैसे मैं इतने रिलैक्स होकर खाती नहीं हूँ, मैं बहुत जल्दी खाती हूँ, लेकिन अभी कितने आराम से खा रही हूँ मैं दिन में भी खाती हूँ ना तो बहुत जल्दी खाती हूँ। जैसे मेरे साथ के लोग होते हैं ना वो बैठे रहते हैं और मैं खा पी के उठ जाती हूँ, मेरी आदत है शुरू से कि मैं बहुत फास्ट खाती हूँ खाना।
और सब्जी इतनी तीखी थी फिर मैं हरी मिर्च लेके बैठी थी, उसमें खा पी लिया कुछ बर्तन, कुछ क्या थोड़े ज़्यादा ही बर्तन कि हस्बैंड खाए थे। उसके बाद जो हस्बैंड खा के गए थे दोपहर के शाम को, मैं दोपहर में लंच कर गया थे वो भी मैंने नहीं धोया था, तो वही मैं धो रही हूँ। हम सोचते हैं ना कि हम ये काम करके हमें थोड़ी सी छुट्टी हमें मिल जाएगी, तो कभी नहीं ऐसा होता, कभी नहीं। औरत की जो लाइफ होती है ना वो हमेशा बिजी रहती है, उसके काम की कमी नहीं होती, एक काम गया नहीं कि दूसरा काम, अगर हम बैठते भी हैं ना तो ज़बरदस्ती काम पेंडिंग में छोड़ के। तो यहाँ पर शाम का टाइम है, मैं यहाँ पर धूप बत्ती जोत सब लगा दिया भगवान जी को, मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। दूध है फ्रिज में और अदरक भी फ्रिज में ही, अदरक नहीं है बाहर। और इस टाइम फ्रिज देख सकते हैं आप, पूरा पूरी फ्रिज मेरी भरी हुई है कुछ 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 कुछ, बस ऐसे ही पड़ा ही रहता है। और मैं एक दिन मशरूम लेकर आई थी तो बस आज जारी बनाने नहीं थी, ख़राब हो जाएगा, मन नहीं है बनाने का, लेकिन नहीं बनाऊँगी तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसको पहले बना लेती हूँ। हाथ में कितना सारा सामान लेकर आ गई, मशरूम, प्याज भी मशरूम के लिए है, मिर्ची भी मशरूम के लिए है, टमाटर भी, अदरक चाय और मशरूम दोनों के लिए है। ये चाय वगैरह बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ चाय बनाने के बाद आप लोगों से, है ना। देख सकते हैं सब्जी मेरी तैयार हो चुकी है, तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी धनिया पत्ती, इतनी यम्मी और टेस्टी सी सब्जी दिखी है। जो चाहे तो आप खा सकते हैं, मेरे को हल्की ग्रेवी चाहिए तो बस मैं इतनी रखूँगी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू माई टू फैमिली।